हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10 की पोएम 7 एनिमल्स की समरी देखेंगे और झटपट से पोएम को समझेंगे। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब हिज विल टू बिकम एन एनिमल बिकॉज ही थिंक्स एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। और उनका ये मानना है कि ह्यूमन बींग्स ग्रीड और जेलसी से भरे हुए हैं, लेकिन ये नेगेटिव क्वालिटीज जानवरों में नहीं है। एनिमल्स काम है, सेल्फ कंटेन है, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, ना तो वो कभी शिकायत करते हैं अपने दुखों की, अपने तकलीफों की। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स ऐसे करते हैं, वो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। वो अपने रिचेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड दे स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स। अगर वो कोई गलत काम कर लेते हैं तो वो हर वक्त उसके लिए पछताते रहते हैं, और वो हमेशा रिचेस के लिए, लग्जोरियस चीज़ों के लिए दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जानवरों की लाइफ बहुत रिलैक्स्ड है, वो कभी भी ऐसे रोते रोते नहीं हैं, कभी भी उनको पछतावा नहीं होता, वो कभी भी किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते। एनिमल्स ऑनेस्ट होते हैं, सच्चाई के भरे हुए होते हैं, और ऐसा नहीं है वो किसी पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। उनकी ज़िंदगी में पूरी ऑनेस्टी है और बिल्कुल भी ग्रीड और जेलसी नहीं है। इसी वजह से हमारे पोएट को एनिमल ज़्यादा पसंद है और वो कहते हैं कि वो एनिमल बनना चाहेंगे। इसके साथ ही हमने एनिमल्स पोएम की समरी देखी। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई है। अगर आप इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, लेसन नोट्स चाहते हैं, ये सभी कंटेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।